जबरदस्ती से हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, हिंदुओं को हिंदू बनाया। उसके बाद फिर अंग्रेज आ गया, उसने भी जोर जबरदस्ती से क्रिश्चियन बनाया। तो इस तरह से हिंदुओं की आबादी घटती गई, लेकिन अभी भी 80% हिंदू यहाँ निवास करते हैं। तो यह हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। संविधान में तो ये सेकुलर मुल्क है। देखिए, संविधान तो देश बनाता है, देश कभी भी संविधान में परिवर्तन करके हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकता है, लेकिन संविधान से घोषित हो या ना हो, ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। हिंदू महासभा क्या संविधान को नहीं मानता? हिंदू महासभा संविधान का सम्मान करती है, लेकिन यह सबको पता है कि ये हिंदू राष्ट्र है। पूरी दुनिया में इस देश की पहचान हिंदू राष्ट्र के रूप में है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब आदि जो देश हैं, उनकी पहचान एक इस्लामिक देश के रूप में है। तो फिर अमेरिका, इंग्लैंड एक क्रिश्चियन स्टेट है, और सबको पता है कि हिंदुस्तान एक हिंदू स्टेट है। इसलिए हिंदू स्टेट कहने में कोई बुराई नहीं है, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि मेरठ शहर का नाम पंडित नाथूराम गोडसे नगर रखा जाए, गाजियाबाद का नाम महंत अवैधनाथ रखा जाए, महंत दिग्विजयनाथ रखा जाए, और हापुर का नाम महंत अवैधनाथ रखा जाए। अवैधनाथ जी गुरु थे आदित्यनाथ जी के, और दिग्विजयनाथ जी अवैधनाथ जी के गुरु थे, और ये दोनों हिंदू महासभा के बड़े नेता थे। जो राम मंदिर का आंदोलन चला, वह सब दिग्विजयनाथ जी के नेतृत्व में चला। तो हमारी मांग है कि योगी सरकार जिस तरह से नाम बदल रही है, और उन्होंने अच्छा किया है कि इलाहाबाद का बदल के प्रयागराज कर दिया, अयोध्या कर दिया फैजाबाद का नाम, हम उसका स्वागत करते हैं। उसी तरह से हमारी मांग है कि हमारी मांगों को जल्दी माने और मेरठ का नाम बदल करके पंडित नाथूराम गोडसे नगर